हे एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, एकदम अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ईपीएफओ एसएसए में सेक्शनल टाइमिंग है या नहीं, उसका एग्जाम लेवल क्या होने वाला है और यहाँ पे जो सेक्शनल कट ऑफ है वो होने वाला है या नहीं, इससे रिलेटेड बात करने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो, आपके सिलेबस में पैटर्न एग्जाम पैटर्न में क्लियरली दिया हुआ है 150 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये आपका पूरा कंपोजिट टाइम है। यहाँ पे आपको कोई भी सेक्शनल टाइमिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी जिस भी सेक्शन को टाइम देना चाहते हो उतना सेक्शन को आप टाइम दे सकते हो। सेकेंडली, यहाँ पे कट ऑफ होगा या नहीं होगा, सेक्शनल कट ऑफ होगा या नहीं होगा। तो देखो, यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है, कट ऑफ्स आर अप्लाइड इन टू स्टेजेस ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट एंड ऑन टोटल टेस्ट। मतलब कि यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो आपके इंडिविजुअल टेस्ट, मतलब सेक्शनल जो कट ऑफ हो गया सेक्शनल सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी जाएगा और ओवरऑल भी जाएगा। तो यहाँ पे मतलब आपका सेक्शनल कट ऑफ भी होने वाला है और आपका ओवरऑल कट ऑफ भी होने वाला है, और ये दोनों ही आप जब क्वालिफाई करोगे तब आप ये एग्जाम क्लियर कर पाओगे। थर्ड की यहाँ पे एग्जाम का लेवल क्या होगा, तो ये जो आपका एग्जाम का लेवल है वो आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का जो आप प्रीलिम्स एग्जाम देते हो लगभग उसी के लेवल के यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, या फिर उससे हल्का सा लो लेवल होगा, उससे हाई लेवल जाने के इतने ज्यादा चांसेस नहीं है। क्योंकि देखो, आप अभी भी मॉक टेस्ट दे रहे होगे और अगर आपने नहीं दिए तो आप जाके मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हो। काफी सारे साइट्स पे एक एक फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है ऑलमोस्ट, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जब आप रीजनिंग के, इंग्लिश के, क्वांट इनके जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तब आपको लगेगा कि हाँ, मतलब इसका लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं है। मतलब जो यहाँ पे हमारे बैंकिंग वाला सेक्शन होता है वो तो आपका एक्चुअल में प्रिपेयर होगा, आप उसके क्वेश्चंस लगाओगे तो वो आपको समझ में आएगा कि इतने ज्यादा हाई लेवल के नहीं है। और बाकी जो अलग से सिलेबस यहाँ पे ऐड हुआ है इससे रिलेटेड मैंने आप वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आपको पता पड़ जाएगा कि क्या क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो है, सॉरी एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है वो ऐड किए गए हैं, तो वो आप और अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। तो यहाँ पे ओवरऑल जो लेवल है वो आपको पूरा एसबीआई क्लर्क या फिर आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स के लेवल का ही लगने वाला है। तो बस यही था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।